जंगल में दोस्ती। शेर नाम का एक लड़का एक दिन जंगल में खो गया। वह डर और भूख से कांप रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक शेर से हुई। लड़के ने उसे देखकर डरने की बजाय उसके पास जाकर कहा, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? शेर ने हैरानी से उसकी ओर देखा और फिर उसकी हिम्मत देखकर मुस्कुरा दिया। दोनों ने जंगल में एक दूसरे की मदद की। शेर ने लड़के को सुरक्षित घर पहुंचाया और लड़के ने शेर को अपना दोस्त मान लिया। तभी से शेर और लड़के की दोस्ती गहरी हो गई और वे हमेशा साथ रहते। सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आगे एक नए वीडियो के साथ। भाई जो अभी के स्क्रीन पे गाइस देखे हैं वो कार्टून वीडियो, तो भाई वो कार्टून वीडियो मैंने ही बनाया, ठीक है भाई। वो कार्टून वीडियो मैंने कैसे बनाया भाई, आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कार्टून वीडियो कैसे आसान तरीके में बनाकर भाई यूट्यूब पे अपलोड कर बहुत काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं भाई। यूट्यूब पे जाना, सर्च कर लेना कार्टून वीडियो भाई, मिलियन में आपको मिलेगी वीडियो, ठीक है, व्यूज उस पर, ठीक है। तो भाई उस तरह का कार्टून वीडियो कैसे बनाओगे मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कि भाई आपको AI का यूज़ करना भाई, ठीक है। आज इस वीडियो में बताऊँगा इमेज से वीडियोज़ कैसे आपको कार्टून पर फुल वीडियो बनाना, और आइडियो अपना आपको बोलना भी तक नहीं है, आपको अपनी लैंग्वेज जो मतलब स्टोरी रहेगी वो आपको आइडियम कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो भाई चलता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो भाई आपसे प्ले स्टोर से जाना, एक चैट GPT एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करना भाई। यहाँ एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे भाई आप यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हो तो भाई यहाँ पे देखो मैंने स्टोरी जनरेट करवाई है। यहाँ पे मैं यहाँ पे AI प्रॉम्प्ट मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ भाई। मैं ये प्रॉम्प्ट अभी को जो पेस्ट किया तो मेरे सामने यहाँ पे को जंगल में दोस्ती वाला मेरे यहाँ पे स्टोरी एक बन चुकी है भाई, ठीक है। और मुझे क्या करना भाई, इसमें यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया था तो मेरा यहाँ पे 5 ही इमेज बना था, ठीक है। मुझे आगे इस यहाँ पे कम से कम 7 इमेज चाहिए था, तो मैं यहाँ पे दूसरा प्रॉम्प्ट फिर से वही वाला प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे 7 इमेज लिख दिया है और मेरे को यहाँ पे 7 इमेज यहाँ पे जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो भाई मैं आपको कुछ नहीं करना, इसको क्या करना, इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करें आगे इस आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा भाई, ठीक है। पेस्ट करेंगे तो भाई आपको देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पे ChatGPT है अपना वो लिख कर दे देगी। आप यहाँ पे देखो भाई मेरा यहाँ पे स्टोरी लिख कर दे रही है, ठीक है। और उसके बाद हमें इसी का प्रॉम्प्ट मतलब इमेज के लिए प्रॉम्प्ट कैसे निकालना है, तो उसके लिए गाइस आपको ये प्रॉम्प्ट है यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये प्रॉम्प्ट है गाइस, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस, ठीक है। वहाँ से फिर आपको लास्ट में आना, उसी में आकर भाई आप इसको फिर पेस्ट कर देंगे भाई, ठीक है। जैसे भाई आप पेस्ट कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट करके इसे दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देखा मेरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे इमेज भी जनरेट हो रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे भाई जनरेट हो चुका है। तो बताऊँगा मैं आपको कैसे आप अपना मतलब एक ही कैरेक्टर हर मतलब हर भी स्टोरी में यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। जो स्टोरी पूरा स्टोरी में आप एक ही कैरेक्टर यूज कर सकते, कैसे यूज करेंगे मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको। तो भाई देखो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट बन चुका है, मैं यहाँ से गाइस जो अब इसको प्रॉम्प्ट से मैं कैसे इमेज बनाऊंगा, प्रॉम्प्ट से इमेज बनाने के लिए गाइस आपको दिखा यहाँ पे गाइस आना का इस पर, यहाँ से मैं टेक्स्ट कॉपी पे क्लिक करता हूँ, इसमें प्रॉम्प्ट से आपको इमेज बनाकर दिखा रहा हूँ भाई। इसको यहाँ से आपको पूरा कॉपी कर लेना यहाँ तक लास्ट तक, ठीक है। यहाँ तक भाई लास्ट तक आप कॉपी करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे, फिर आप गाइस इसको गाइस आना होगा यहाँ पे एक मतलब वेबसाइट गाइस है, इस वेबसाइट पर गाइस मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल पे, गूगल अपना ओपन कर लेना होगा। तो भाई अपना गूगल आप ओपन कर लेंगे तो आपके यहाँ पे सर्च में आपको टाइप करना होगा बिंग इमेज क्रिएटर। तो गाइस बिंग इमेज क्रिएटर लिखकर मैं यहाँ पे सर्च किया, जैसे फर्स्ट वेबसाइट आ गई है, मैं फर्स्ट वेबसाइट पे भाई क्लिक कर दे रहा होगा भाई, ठीक है। तो भाई मेरे सामने यहाँ पे कुछ इस सेंटर पे ओपन हो चुका है भाई, ठीक है। तो भाई देखो अगर फर्स्ट बार जाओगे इस वीडियो पे तो वेबसाइट पे, तो भाई आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट कैसे क्रिएट करूँ भाई, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक हो, वीडियो देख लेना भाई, अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना भाई, ठीक है। नहीं तो गूगल थ्रू आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद गाइस देखो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट को भाई पेस्ट कर देता भाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट को भाई पेस्ट कर दिया है और यहाँ मैं सीधे क्रिएट पे भाई क्लिक कर दूंगा भाई। अब इसमें बताऊँगा कि ये मेरा एक इमेज जनरेट हो जाता है, तो मैं आपको बताऊँ कि कैसे कि आप बारे अब आपके एक ही स्टोरी में आपको सभी करेक्टर को आप एक ही करेक्टर आपके रहेगा, ठीक है यार, चेंज नहीं होगा। मैं ऐसे काम करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख लो मेरा इमेज यहाँ पे जनरेट हो चुका है भाई, ठीक है। तो जनरेट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे बता दूँगा इस कोई आपको इमेज यहाँ पे सही लगेगा तो कैसे आप डाउनलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे भाई, ठीक है। तो भाई अगर आप यहाँ पे मतलब लॉन्ग वीडियो के लिए इस फोटो को यूज करना चाहते हो तो भाई आपको यहाँ पे 3 डॉट भाई क्लिक करेंगे और यहाँ देखा इस रिसाइज वाले क्लिक करेंगे आपके सामने टैलेंट स्केप इस पर क्लिक कर देंगे भाई, ठीक है। तो भाई अब जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके जो लॉन्ग वीडियो का साइज आता है आपको उसी हिसाब से ये इमेज बनाकर दे देगा, ठीक है। जैसे अभी दिखा रहा हूँ आपको भाई, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो मेरा इमेज यहाँ पे लॉन्ग वीडियो के लिए मेरा इमेज यहाँ पे बनाकर दे दिया, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग वीडियो के लिए यूज करना होगा तो आप डाउनलोड कर लेंगे भाई, ठीक है। तो मुझे लॉन्ग वीडियो को नहीं डाउनलोड करना है, मुझे शॉर्ट वीडियो डाउनलोड करना है। शॉर्ट वीडियो को यहाँ पे कट करता हूँ
और यही अभी जो मैं यहाँ पे इमेज एडिट किया हूँ, मैं इसको कैसे अब इसको डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे लॉन्ग वाला ये मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इस पर हम क्लिक कर देंगे भाई, तो मेरा इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो मेरा इमेज यहाँ पे डाउनलोड दिखा दिया भाई। ठीक है, तो आपको एक ही कैरेक्टर कैसे चाहिए हमेशा, तो आपको क्या करना है इसमें सेटिंग करना, सेटिंग भाई तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको ही वाले से आपको कट कर देना होगा, यहाँ से कॉपी करना लास्ट तक इसको कट कर देना। ठीक है, यहाँ तक भाई आपको कॉपी करेंगे, कॉपी नहीं करना आपको सेलेक्ट करना है, कट कर देना। ठीक है, इतना प्रॉम्प्ट आपको अपने सभी सभी प्रॉम्प्ट में अपना जोड़ना है। ठीक है, अब बता रहा हूँ कैसे करना है। आपकी जाओगे फिर से अपना चैट जीपीटी में जाओगे भाई, चैट जीपीटी में जाने के बाद गाइस आपको फिर से आपको फुल यहाँ से कॉपी करना, फुल कॉपी करने के बाद लास्ट टाइम यहाँ तक कॉपी करना, फिर कॉपी करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे आना होगा, फिर से आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा भाई। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दे रहा हूँ भाई, इसको इसको डिलीट नहीं करना आपको, सभी सभी इमेज में सभी प्रॉम्प्ट में आपको ऊपर इसको यूज करना भाई। देखो मैंने यहाँ पे कर दिया भाई, मेरा वहाँ बचा है वाला। ठीक, मैं यहाँ फिर से क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा भाई यहाँ पे करेक्टर चेंज होने वाला नहीं है भाई। ठीक है, मेरा करेक्टर एक ही रहेगा और जो मतलब ऐसे वैसे मेरा चलेगा। ठीक है, देखो भाई मेरा यहाँ पे करेक्टर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, देखो भाई करेक्टर मेरा सेम वही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मेरा सेम करेक्टर वही है, तो आपको डाउनलोड कर यहाँ से डाउनलोड कर। ठीक है, तो भाई आप इसी तरह अपना सारा भी प्रॉम्प्ट लाकर यहाँ पे इस तरह इमेज जनरेट कर सकते हो एक ही कैरेक्टर पर भाई। ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल आसान तरीके में बताया हूँ। ठीक है, अब इसके बाद गाइस देखो मेरा यहाँ पे इमेज आप तो जनरेट कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, आपने यहाँ पे यहाँ तक समझ लिया है, अब आपको क्या करना भाई है, अब आपको गाइस वीडियो इमेज से वीडियो कैसे कनेक्ट करना चलता हूँ उससे स्टार्ट करता हूँ भाई। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से कर लेना अपना प्रॉम्प्ट लाकर। ठीक है, तो भाई अब देखो मैं यहाँ पे आपके इमेज से ब्रॉन्ड वीडियो बनाने के लिए गाइस आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर अपना ओपन कर लेना होगा। ठीक है, क्रोम ब्राउजर भाई आप यहाँ से ओपन कर लोगे, इसके बाद आपको जो सर्च बार है आप यहाँ पे सर्च बार में टाइप करोगे पिक्सवेयर AI। ठीक है, आप पिक्सवेयर AI मैं यहाँ पे सर्च कर लिया हूँ, आप यहाँ से फर्स्ट वेबसाइट आ गया, आप उस पर क्लिक कर देना होगा भाई। ठीक है आपको, तो भाई देखो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पे कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो भाई आप फर्स्ट बार जाओगे तो आपको भी यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, आप गूगल के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल आसान तरीके में हो जाएगा भाई। ठीक है, कर लोगे उसके बाद गाइस देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे गाइस यहाँ पे आपको इस पे पर यहाँ पर फोटो वाला इमेज इमेज दिख रहा है, इमेज वाले आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप इमेज वाले क्लिक करते हैं तो भाई आपको जो इमेज लेना होगा आप उससे सिलेक्ट करोगे, फर्स्ट वाला इमेज लोगे, यहाँ फर्स्ट वाला इमेज लेंगे और जो इमेज मैंने अभी इस जिस प्रॉम्प्ट से मैंने इमेज को बनाया इस वाले इमेज को मुझे उस वाले इमेज के यहाँ पे पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो भाई तो मैं चलता हूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं फर्स्ट वाली इमेज को, जो फर्स्ट वाला इमेज मेरा यहाँ पे है इसी को मैं बनाया हूँ, और गाइस मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ भाई। ठीक है, मैं ऑल सेलेक्ट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, उस वहाँ पर जाकर गाइस पेस्ट करूँगा भाई। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ भाई, अगर भाई यहाँ मैं गाइस इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर सॉरी यार पेस्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे क्रिएट पे भाई क्लिक कर दोगे भाई। ठीक है, जैसे भाई हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं मेरे सामने यहाँ पे कम से कम एक मिनट लगेगा तो मेरा यहाँ पे इमेज से वीडियो में भाई कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई मैं एक बात आता बात बताता हूँ आपको भाई, देखो आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो भाई आपको यहाँ पे 130 क्रेडिट मिलेगा भाई। ठीक है, तो आप 130 क्रेडिट जब यूज कर लोगे तो भाई आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, तो भाई आपको पैसा यहाँ पे नहीं देना भाई। ठीक है, आपको फ्री में कैसे यूज करना बता रहा हूँ भाई आपको, भाई यहाँ से एक दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे और लॉग आउट कर लेना भाई। ठीक है, जैसे आप लॉग आउट कर लोगे तो अपना दूसरे ईमेल से यहाँ पे लॉग इन कर लेना, लॉग इन जब आप दूसरे ईमेल से आप लॉग इन कर सकते हो तो आपको भाई फिर से 130 क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह आपको अपना वीडियो या गाइस अपना इमेज से वीडियो में कन्वर्ट करते रहना भाई। ठीक है, जब तक आपका यूट्यूब चैनल ग्रोथ ना हो पाए तब तक आप भाई अपना इसी तरह अपना लॉग आउट करके गाइस अपना इमेज यहाँ चेंज करेंगे और आपको 130 क्रेडिट फिर से मिल जाएगा तो आप यूज करेंगे भाई। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ मेरा यहाँ पे वीडियो जनरेट हो जाए। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे वीडियो यहाँ पे जनरेट हो चुका है भाई, यहाँ पे देखो मेरा वीडियो ऐसे कुछ बन चुका है। ठीक है, तो भाई देखो इसको डाउनलोड करने के लिए भाई आपके यहाँ पे मैं बता रहा आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना होगा और डाउनलोड वाले आपको क्लिक कर देना होगा भाई। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे मेरा वीडियो भी डाउनलोड हो जाएगी भाई। ठीक है, तो मैं देखो भाई यहाँ पे मेरा वीडियो बन चुका है, तो भाई आप इसी तरह आपको सारा इमेज लगाकर गाइस यहाँ पे वीडियो में अपना कन्वर्ट कर लेना होगा, ताकि भाई मैं अभी आपको पूरा वीडियो बनाकर दिखाऊंगा इमेज से वीडियो में, तो भाई मेरी वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो भाई मैं चलता हूँ, आपको क्या करना है आप अपने आइडियो का मतलब अपना स्टोरी है जो उसको आइडियो में कैसे कन्वर्ट करना है उसको बताता हूँ गाइस। ठीक है, तो भाई देखो आपको यहाँ पे पूरा बैक आना, बैक आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सर्च में टाइप करना होगा, यहाँ पे सर्च में टाइप करें 11 लैब्स। ठीक भाई, यहाँ पे 11 लैब्स से मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, जैसे सर्च करोगे भाई आप यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आप उस पर फिर से क्लिक कर देना होगा भाई। ठीक है, जैसे फर्स्ट पे आपको क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड आप उस पर क्लिक करोगे तो भाई आपको यहाँ पे गूगल के थ्रू अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना होगा भाई। ठीक है, कुछ है नहीं भाई, जाना अपना गूगल ईमेल डालना भाई, आपको एक दो चार पूछेगा आप यहाँ पे डाल देना भाई। ठीक है, आप क्या करते हो भाई बोल देना, यूट्यूब पे काम करते हैं ऐसे, यहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन दिखेगा आपको, उस वाले आपको क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे उठा लेगा भाई। ठीक है,
तो भाई देखो मेरा यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना गाइस, हम अपनी स्टोरी को यहाँ पे आईडी में कन्वर्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पूरा मुझे पूरा यहाँ पे आल सेलेक्ट कर लेना, आल सेलेक्ट मैंने किया, यहाँ पे कट कर देता हूँ भाई, ठीक है। कट करने के बाद गाइस जो मैंने अभी की स्टोरी अपना इस चैट जीपीटी में जाना होगा, चैट जीपीटी में जाकर गाइस जो स्टोरी मैंने अभी कुछ जनरेट किया उस स्टोरी को मुझे कॉपी करना, वहाँ पे गाइस पेस्ट करना भाई, ठीक है। तो मेरी स्टोरी यहाँ पे गाइस है और मैं यहाँ पे ऊपर जाकर गाइस मैं अपनी स्टोरी के यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ भाई, ठीक है। देखो तो मैं ये स्टोरी थी, मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कॉपी कर लूँगा भाई, ठीक है। यहाँ से इस पर क्लिक, इसको कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे गाइस आपको पेस्ट करना होगा भाई, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे अपना स्टोरी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो भाई मेरी स्टोरी में गाइस यहाँ पे ऊपर जो लिखा था वो भी आ गया है भाई, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस तरह को डिलीट कर देता, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया, मैं इसको भी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद गाइस देखो भाई आपको यहाँ पे लैंग्वेज अपना चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो व्हील है, व्हील वाले आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले गाइस आपका दूसरा कोई ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे व्हील वाले भाई क्लिक कर देना होगा भाई, ठीक है। व्हील वाले जैसे आप क्लिक कर देंगे तो भाई जो आपकी आवाज़ है एक बंदे की आवाज़ में आएगी, ठीक है, नहीं तो गर्ल की आवाज़ में आएगी, ठीक है। तो आपको उसके बाद गाइस यहाँ पे क्रिएट पे, हाँ क्रिएट पे आपको क्लिक करना होगा, जनरेट पे, ठीक है। जनरेट पे भाई अब जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने 10 सेकंड के अंदर में आपका यहाँ पे आईडी में अकाउंट हो जाएगा भाई, ठीक है। जंगल में दोस्ती, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो शेर नाम का एक लड़का, मेरा भाई यहाँ पे आईडी में कनेक्ट हो चुका है मेरे आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करना होगा और इसको भाई डाउनलोड कर लेना होगा भाई, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो भाई मेरा यहाँ पे आप मैं चलता हूँ भाई आपको वीडियो कैसे अपना, मैंने यहाँ पे देखो भाई इमेज से वीडियो कनेक्ट करके पहले दूसरी स्टोरी का रखा है, मैं आपको बताऊँगा कैसे एडिट करना भाई, ठीक है। एडिट बहुत आपको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है आपका एडिट, आप एडिट बहुत बढ़िया से करेंगे तो भाई आपको वीडियो कोई रोक नहीं सकता वायरल होने से, ठीक है। तो भाई देखो भाई आपको वीडियो कैसे किस में एडिट करना है भाई, आपको कैपकट एप्लीकेशन में भाई एडिट करना है, ठीक है। क्योंकि भाई कैपकट अपने एप्लीकेशन इतना बढ़िया भाई है कि आपको हर इफेक्ट आपको फ्री में देगा भाई, ठीक है, हर चीज़ आपको फ्री में देगा ये, ठीक है। तो भाई देखो अब यहाँ पे चलता हूँ मैं, देखो भाई आप कैपकट एप्लीकेशन के यूज़ करने के लिए आपको क्यूक वीपीएन का जरूरत पड़ेगा, तो भाई आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना भाई, यहाँ पे प्ले स्टोर पर मिल जाएगा क्यूक वीपीएन, आप इसको पहले ओपन करोगे भाई, ठीक है। इसको मैं भाई ओपन कर लेता हूँ, जैसे भाई मैं इसको ओपन करता हूँ मेरे यहाँ पे बटन आगे बटन मुझे टाइप कर देना होगा, ठीक है, टैप टू कनेक्ट, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो कैपकट एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा। ये एप्लीकेशन इसको सर्वर देता है, ठीक है, इंडिया में वो एप्लीकेशन बैन है भाई, देखो ठीक है, ठीक है। उसका जैसे ऐड आएगा तो आपको ऐड यहाँ पे देख लेना होगा भाई, मैं आपको ऐड को पूरा देख लेता हूँ। देखो भाई मैंने यहाँ पे ऐड भी देख लिया, ठीक है। ऐड देखने के बाद अब मैं चलता हूँ कैपकट एप्लीकेशन में, कैपकट एप्लीकेशन का इस यहाँ से मैं इसको कैपकट का एप्लीकेशन भाई आपको प्ले स्टोर पर वहाँ मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, अगर वहाँ पे आप नहीं ले सकते हो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो भाई, ठीक है इसको। तो भाई मेरा देखिए तो कैपकट एप्लीकेशन मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह ओपन हो चुका है, हमें गाइस करना है न्यू प्रोजेक्ट, आप इस पर हम क्लिक करेंगे भाई, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट भाई हम जैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो भाई देखते मेरा यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट मैंने जैसे क्लिक किया तो मेरे सामने अभी मतलब प्रोफाइल खुल चुकी है भाई, ठीक है, प्रोफाइल खुल चुकी। तो भाई हमें देखो मैंने इमेज से वीडियो में कनेक्ट किया था, उस वीडियो को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, सभी वीडियो के यहाँ पे गाइस बारीकी आपको लाइन से ऐड करना है, जो जो आपको लाइन से डाउनलोड किए थे उसी हिसाब से आपको भाई करना, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे 7 मेरा 8 कहाँ से हो गया, मेरा 7 ही है यार। तो भाई मैंने अभी को जो किया वो भी मैंने ऐड कर दिया, उसी में नहीं मुझे ऐड नहीं करना है भाई, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐड पे भाई क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है भाई। जैसे मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ मुझे शॉर्ट में चाहिए, ठीक है, मुझे शॉर्ट में चाहिए स्टोरी। तो यहाँ पे अगर रेटो दिख रहा है रेटो वाले पर हम क्लिक करेंगे भाई, और यहाँ पे देखो 9 16 कर देना होगा आपको, ठीक है, 9 16 कर लेना होगा आपके। इस पर राइट पे भाई क्लिक कर देना होगा, ठीक है। इस पर क्या करना, इस वाले को क्लिक कर देना और आपके यहाँ पे थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको जूम करना होगा भाई, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ भाई, देखो जूम मेरा आपको अपने यहाँ पे सभी वीडियो को भाई अपने हिसाब से यहाँ पे जूम कर लेना, मैं यहाँ पे सभी भाई वीडियो को जूम कर लेता हूँ बारीकी से। तो भाई देखो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को सभी वीडियो को यहाँ पे जूम कर दिया हूँ, ठीक है। अब जूम करने लास्ट में आने के बाद यहाँ पे एक वाटर मार्क भाई दिखेगा, वाटर मार्क इसका डिलीट कर देना होगा, ठीक है। डिलीट करने के बाद गाइस आप देखो यहाँ पे फर्स्ट में आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना, एक कैनवा का ऑप्शन है, कैनवा वाले पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे भाई ब्लर है, ब्लर वाले पर क्लिक कर देंगे और फर्स्ट जो ब्लर है इस पर क्लिक कर देंगे भाई, ठीक है। और यहाँ पे आल टू अप्लाई करके भाई यहाँ पे राइट कर देंगे भाई, ठीक है। तो भाई देखो मेरे यहाँ पे सभी पीछे पे ब्लर हो चुका, ठीक है, ब्लर हो चुका, ठीक है। अब हमें क्या करना गाइस, इस पर हमें क्या करना है, जो मेरी यहाँ पे आइडियो थी मैं उसको मुझे ऐड करना है। ऐड करने के लिए आइडियो भाई क्लिक करना है और यहाँ पे साउंड वाले क्लिक कर देना होगा भाई, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पे एक आपको फाइल वाले क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे सर्च में सिर्फ लिखना होगा ELE, ठीक है, 11, ठीक है, मैं E11 में E11 लिख कर और आपको लास्ट में आना होगा, ठीक है। लास्ट में नहीं गाइस, जो फर्स्ट में आएगा वही रहेगा। तो यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे है, ये इस वाले साउंड मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये मेरा है। जंगल में दोस्ती, शेर नाम का एक लड़का
तो भाई मेरा यहाँ पे है, मैं इसको प्लस पे क्लिक कर कर गाइस इसको मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो भाई मैंने इसको देखो मैं यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक। ऐड करने के बाद अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना होगा भाई, ठीक। मैं एक बार सुन लेता इसको ऐड करने के लिए भाई। जंगल में दोस्ती। शेर नाम का एक लड़का एक दिन जंगल में खो गया। वह डर और भूख से कांप रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक शेर से हुई। तो देखो भाई मेरा यहाँ पे सभी बैठा रहा, अब इसको मुझे क्या करना है भाई, इसका बैकग्राउंड कैसे लगाना। मुझे बैकग्राउंड लगाने के लिए गाइस आपको देखो, आप यहाँ पे आईडी वाले क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा आपको गाइस इफेक्ट, आप इस पे भाई क्लिक कर दोगे भाई, ठीक है। और उसके बाद गाइस देखो यहाँ पे बहुत सारा आपके यहाँ पे म्यूजिक भाई, म्यूजिक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो भाई मैं आप थोड़ा आपको दिखाता हूँ, इस पे आना होगा और आपको यहाँ पे अपना जो म्यूजिक होगा कार्टून वाला उसको लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे आने बीजी वाले पे, बीजीएम पे आ गए गाइस, आपके यहाँ पे कोई सुन ले। भाई देखो मेरा यहाँ पे कुछ, तो भाई मुझे ये वाला सही लग रहा है, ठीक है। हम इसको यूज करने वाले, हम इस पर भाई क्लिक प्लस पे क्लिक कर देंगे और भाई यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे कुछ यहाँ तक एडजस्ट कर, यहाँ से एडजस्ट किया, ठीक है। तो गाइस इसको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, फिर से गाइस आपको करना है, फिर आपको इफेक्ट पे जाना है और आपको यहाँ पे दूसरा कोई म्यूजिक यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे दूसरा कोई म्यूजिक ऐड कर लेता हूँ भाई। तो भाई देखो, तो भाई मुझे ये वाला इस वाले का ऐड करना, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इस वाले को, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर देंगे भाई, आपको यहाँ पे दो तक रखना भाई, ठीक है। यहाँ पे दो तक रखना है, मैं इसको यहाँ से इसको क्लिक कर भाई दो में बीजेट रखना, इसको डिलीट कर देना। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अपने यहाँ पे कुछ दूसरा कोई लगाना होगा भाई। यहाँ पे दूसरा सुन लेता हूँ कोई, जैसे भाई मुझे ये वाला सही, मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँगा भाई। ऐड करने के बाद यहाँ तक आपको करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना, इस डिलीट कर देना होगा आपको, इस डिलीट कर देना होगा, ठीक है। फिर से आपको जाना होगा, फिर कोई आप अच्छे से आपको यहाँ पर यूज करना भाई, ठीक है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, प्लस पे क्लिक करें आप, फिर से आपका यहाँ ऐड हो गया। जैसे मैं गाइस आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ तक इसको ऐड कर लेता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ मेरा ये जो मेरा साउंड है यहाँ तक मैं इसको ऐड करूँगा, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता, यहाँ पे स्प्लिट डिलीट, ठीक है। स्प्लिट यहाँ पे फिर से स्प्लिट फिर डिलीट भाई कर देना, ठीक है। डिलीट कर सकते हैं भाई आप इस तरह, मेरा आपके सामने यहाँ पे कुछ तरह मेरा वीडियो यहाँ पे बन चुका है भाई। आप यहाँ पे देख लो मेरा वीडियो कैसे यहाँ पे बना, ठीक है। आप देख लो एक बार फिर से। जंगल में दोस्ती। शेर नाम का एक लड़का एक दिन जंगल में खो गया। वह डर और भूख से कांप रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक शेर से हुई। लड़के ने उसे देखकर डरने की बजाय उसके पास जाकर कहा, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? शेर ने हैरानी से उसकी ओर देखा और फिर उसकी हिम्मत देखकर मुस्कुरा दिया। दोनों ने जंगल में एक दूसरे की मदद की। शेर ने लड़के को सुरक्षित घर पहुंचाया और लड़के ने शेर को अपना दोस्त मान लिया। तभी से शेर और लड़के की दोस्ती गहरी हो गई और वे हमेशा साथ रहते। तो भाई देखो ना, मेरा यहाँ पे वीडियो बन के रेडी हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको वीडियो सेव करने के लिए भाई आप यहाँ पे क्लिक करके सिंबल भाई, जैसे आप भाई क्लिक करते हो तो आपका वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपके गैलरी में सेव होने स्टार्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई देखो भाई, आपको इस वीडियो थोड़ा बहुत सीख मिले प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भाई। आप मेहनत से वीडियो बनाता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि भाई आपका भाई रोना से वीडियो आता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक पर रिकमेंड करना, वीडियो कैसे लगी भाई, ठीक है। तो भाई यार मैं इतने में खुश रहूँगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो तक। जय हिंद मेरे भाई।